ये देखिए बैक टू द बॉलर खेलने की कोशिश की थी साजन ने, साजन मुंगाजी ने, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए। साजन मुंगाजी की सोच ये होनी चाहिए रोहन मुंगाजी को ज्यादातर ज्यादा स्ट्राइक किस तरह से मिले। क्रिकेट में आपकी सोच एक अहम किरदार निभाती है आपके जीत और हार के बीच। आपकी सोच सही हो, प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसे हम कहते हैं समय सूचकता, किस समय पे हमें क्या करना है। एज लगा, शॉर्ट फाइनली को चीरा है सोनिया गायकवाड़, उस गेंद के पीछे भाग रहे थे डीप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी ने, सोनिया ने भी इस गेंद को फील्ड करने की कोशिश की, हालांकि अंकुश गायकवाड़ शॉर्ट फाइनली से दौड़ रहे थे उस गेंद के पीछे, लेकिन रेस आखिरकार गेंद ने जीती और मिला चार रन, और इन चार रनों से टोटल बढ़ता हुआ 25 रन। तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर यह बाउंड्री आई थी साजन मुंगाजी के बल्ले पर, जो अंदरूनी किनारा लगा था उस अंदरूनी किनारे की वजह से। तो 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। मैडी की भी तारीफ करनी होगी, जिस तरह से वो गाने बजा रहे, जिस तरह माइक्रोफोन सिस्टम उनके द्वारा हमें दिया जा चुका है। ये देखिए फिर से एक बार अंदरूनी किनारा, अंकुश गायकवाड़ ने शॉर्ट फाइनल के ऊपर इस गेंद को फील्ड किया, सिंगल मिला, टीम का टोटल पहुंचा 26। साजन मुंगाजी पहुंचे अपने निजी 5 के योगदान पर, तो वही रोहन मुंगाजी खेल रहे अपने निजी 8 के योगदान पर, जिसमें 2 24 शामिल है। ये मध्यक्रम बल्लेबाजी कर रहा है अजनबी ओड़े टीम के लिए, ये मध्यक्रम अब बल्लेबाजी कर रहा है, इनको अच्छा खेल दिखाना होगा। आकाश तरेकर इस ओवर की अगली गेंद वर्चुअल मारने की कोशिश नाकामयाब, और इसी के साथ साजन मुंगाजी के पारी का खात्मा, यानी कि ये 5वें विकेट का पतन हो चुका है अजनबी ओड़े टीम का। जित मुंगाजी अब मैदान पर आ चुके हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि बगैर एडवर्टाइजिंग कोई प्रोडक्ट सेल नहीं होता संतोष, उसी तरह हम कमेंटेटर्स के लिए एक गॉडफादर का होना जरूरी है। आपको आप कितने भी अच्छे क्यों बोलने वाले क्यों ना हो, लेकिन अगर उसे मंच ना मिला तो वो लोगों के सामने नहीं आता। उसी तरह जिन्होंने मुझे इस विभाग में एक मंच पर बैठ कर बोलने का मौका दिया, वो मेरे गॉडफादर इस विभाग के भाऊ ठाकुर इस मंच पर बैठे हुए, उनका भी मैं दिल से स्वागत करना चाहूंगा। लेकिन फिलहाल आकाश तारेकर की कसावट भरी गेंदबाजी ने संकट में लाकर खड़ा किया, लेकिन वही रोहन मुंगाजी एक इंच से बने हैं, और मैं बिल्कुल प्रमोद घरत की सोच से सहमत हुई, आकाश तारेकर का ओवर निकल जाए उसके बाद परम मात्रे को बल्लेबाजी करने का मौका दिया जाए। बहुत ही सोची समझी था चाल, और ये चाल अगर कामयाब होती है प्रमोद घरत की तो यहां पर 60 से ज्यादा का आंकड़ा दिखाई देगा हमें अजनबी ओड़ी टीम का। टीम का टोटल 27 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। अजित मुंगाजी स्ट्राइकर एंड पर है, 5 विकेट जा चुकी है। ये देखिए कंधे का इस्तेमाल किया था आकाश तारेकर ने, मैंने पहले कहा था आउटसाइड टॉप स्टंप यॉर्कर या फिर शॉर्ट ऑफ